नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका लव गुरु अजमेर वाले यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति से बेहद ही ज़्यादा परेशानी में रहती हैं, जो सोचकर तो कुछ आए थे कि शायद उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी, लेकिन अब गुजर कुछ और रही है और आपकी रिश्ते की नौबत अब तलाक तक पहुँच चुकी है। अब चाहते हैं कि आपका शादीशुदा जीवन सोच समझ के साथ चले, अच्छे से चले, लेकिन आपका पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपका पति आपसे मारपीट करता है, आपसे अच्छे से वार्तालाप नहीं करता और आप बेहद ही ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ जिसके मदद से आपका पति हमेशा के लिए आपके ही गुनगाएगा। यह है अपने पति को वश में करने के टोटके। अपने पति को वश में कैसे करें, अपने पति को कैसे अपने वश में करें, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। कभी कभी देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं देता है, जिसके चलते स्त्रियां काफ़ी दुखी रहती हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन के सुख भी नहीं मिल पाते। वह पति की अनदेखी के चलते तनाव में आ जाती हैं और प्रायः देखा गया है कि ऐसी स्त्रियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यदि आपके साथ भी यह सब चल रहा है, ज्योतिष शास्त्र में इनके बहुत आसान उपाय हैं जो अपना कर आप वैज्ञानिक तौर पर अपने पति को 100% कामयाब होंगी काबू करने में। तो क्या है उपाय, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इन उपायों को जानकर आप भी अपने पति को काबू कर सकती हैं। सोमवार या शनिवार को करें यह उपाय। पति को वश में रखने के लिए एक टोटका यह भी है कि आप पैकेट वाले कोई भी पैकेट वाला सा अपने सामान लेना होगा, जो बहुत ही आसान उपाय है। कोई पैकेट वाले आटे की बजाय खुद से पिसवाए गए आटे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको पैकेट वाला सामान लेते हैं, इस तरह का सामान आपने बिल्कुल नहीं लेना है। खुद से पिसवाए आटे का प्रयोग करें। गेहूं को चक्की पर भेजने से पहले इसमें काले चने मिला दें। इस किसी भी सोमवार शनिवार को चक्की पर भेजकर पिसवाना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नंबर दो आता है, मनोकामना होगी पूर्ण इस उपाय से। शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के आगे नित्य घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना बताते हुए शुभ शिव चालीसा का पाठ करें। सावन में यह उपाय श्रद्धा पूर्वक किए जाने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। अब ये उपाय करने के बाद आप जो कुछ और उपाय बना सकते हैं, मंत्र के जाप से लाभ। इस उपाय के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वैवाहिक जीवन की खुशहाली बनाए रखने के लिए मातंगी यंत्र के साथ सामने ओम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगी फट स्वाहा मंत्र का जाप 108 बार करने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपका पति आपके काबू में होगा। इसके अलावा एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिसमें कुछ खास उपाय बताए गए थे, उस उपाय को भी जान सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बहुत ही खास उपाय मैंने बताए हैं जिसको अपनाकर आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। नए तरीके टोटकों के साथ, नई वीडियो के साथ आपको कल फिर मिलते हैं। तो के लिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।